नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आज आप लोग आए और काफी दिनों से एक मामला जो पत्रकारों के साथ चल रहा है और पत्रकारों के विषय में इस शहर में एक नया माहौल बना, एक ऐसा माहौल बना जिससे पत्रकारों के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है कि पत्रकार कब पार्टी बनने लगी और पत्रकार कब किसी सियासी या संगठन के लोगों का हिस्सा बनने लगे। जिन पत्रकारों को पत्रकारिता करनी चाहिए शहर के या जो भी अन्य जो मुद्दे हैं या किसी पक्ष के मुद्दे या किसी संगठन के मुद्दे या किसी ऐसे महिला मंडल या किसी मंडल के मुद्दे जो वो लेके रास्ते पर उतरते, तो उन विषय पर हम लोग उनसे बुलवाना चाहिए कि हमको बोलना चाहिए। इस पर भी बहुत सारी टिप्पणियां हुई। इस शहर का सो कॉल्ड विपक्ष वो भी आकर पत्रकारों को पत्रकारों की भाषा सिखाने पर आमादा हुआ, मजबूर हुआ, या समझो हमी को हमारी लैंग्वेज हमारे एथिक्स हमको सिखाए जा रहे कि पत्रकारों को इस तरीके से बोलना चाहिए, उस तरीके से बोलना चाहिए, और पत्रकारों पर भी बहुत जल्द केस बनने लगे। तो क्या ये सब चीजें सही है गलत है, इस बात का खुलासा हम किसी को सही गलत या किसी को जालिम या किसी को भगवान बनाने या नहीं बैठे। हम पत्रकार है, कोई मिठाई वाले नहीं है कि किसी को मीठा खिलाए या किसी को तीखा खिलाए। जो शहर में जो चीजें हो रही है आपकी भूमिका लंबी होती जा रही है। असल में आप पत्रकार परिषद, आप तीनों पत्रकार हमारे भाई हो, आपने बुलाई है, आप हैं सुल्तान साहब है अनवर भाई के, मुख्य मुद्दा क्या है पत्रकार परिषद? मुख्य मुद्दा सर ये है कि सबसे पहले एक आंदोलन किया गया, उस आंदोलन में हम लोग बिल्कुल शरीक हुए, वहाँ पर हमने वहाँ पर कवरेज की। जिस आंदोलन के बारे में मैंने एक हफ्ता पहले के जो मेरे उसी हफ्ते के अपने साप्ताहिक अखबार में फ्रंट पेज पर लगाया भी था छोटा सा कि भाई ऐसा ऐसा आंदोलन होने वाला है, फिर उसके सेकंड हफ्ते में मैंने उसका कवरेज भी किया। तो उस आंदोलन को लेकर जो है कुछ बातें हुई, हम लोगों ने भी अपना वहाँ पे महिलाओं ने हमारे सामने बात रखी कि भाई आप लोग भी अपना पक्ष रखो। तो उस वक्त मैंने कहा था कि भाई हम लोग अपना पक्ष खबरों के माध्यम से रख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अपना बाइट नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा आप लोग भी तो इस शहर के रहने वाले हैं, आप लोग भी जो चीज आप लोग फेस करें इसको आपको बोलने में क्यों हिचकिचाट, क्या आप लोग किसी नेताओं से दब करें, क्या नेताओं के आप लोग कुछ ले रहे दे रहे जो आप लोग नहीं बोल रहे। तो हम लोगों ने भी कुछ जन पत्रकारों ने अपने भी बात रखी के किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया गया था। जैसे आसर भाई आप बोल रहे हैं कि धरने का हमने कवरेज किया था, तो कौन लोग धरना दिए थे, क्या मामला था वो बताइए। हाँ, महिला संगठन ने धरना दी थी, उसमें नाम आपा गोलंदाज है, वो फोर फ्रंट पे थी और उन्होंने भी मतलब अपना कवरेज, हम लोग ने वहाँ उनका कवरेज लिया। उनके जो मुद्दे थे जिसमें कई मुद्दे थे, शहर के विकास के मुद्दे थे। असर भाई मुद्दा क्या था वो पूछ रहे हैं कि मेन मुद्दा क्या था, जो मुख्य मुद्दा है जो मुख्य मुद्दा जिस पर विवाद हुआ वो है दारुल फलाह मस्जिद कॉलोनी की दीवार, जो हमारे लिए सिर्फ वो मुद्दा नहीं था, हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसके वजह से हम टारगेट हुए, उसके वजह से खंडनीय केस बना। आप तीन और अन्य तीन लोग हैं, कुल छह लोगों पर जो है एक्सटॉर्शन का केस बना है, चीटिंग का केस बना है। तो क्या है वो मामला, क्या है पूरा, क्यों बना हुआ आप लोगों पे केस? बोगस है, हम लोगों का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि कंप्लेनेंट की ना हमने सूरत देखी, ना कभी हमसे जिंदगी में उसने फोन पे बात की और ना ही हम लोगों से वो मिला। दारुल फलाह मस्जिद से अपना सॉरी मस्जिद से लेकर यहाँ तक फलाह होटल तक के सभी जगह पे कैमरे लगे हुए। अगर हम लोग वहाँ उस लोकेशन पे थे, हम लोग अगर उस लोकेशन पे थे, अभी वो हमारे पर आरोप भी है, इल्जाम भी है, लेकिन हम लोग उसको साफ इनकार करते हैं कि हम लोग उसमें बिल्कुल शरीक नहीं। हमारे ऊपर ये गलत इल्जाम लगाया गया और ये झूठा केस बना। तो केस के पहले 24 घंटा पहले एक केस बना, वो केस ये बना कि सुल्तान भाई भी उस जगह पे हमला हुआ और जिस वक्त वहां पर कार्रवाई के लिए जेसीबी आई। सर ये तो दूसरी बार पत्रकारों के ऊपर जो है एफआईआर की गई है, इससे पहले भी तीन पत्रकारों के ऊपर जो है एफआईआर की गई, वो भी कहीं ना कहीं झूठी एफआईआर हो थी शायद, क्या कहेंगे सर उसके बारे में? किस एफआईआर की बात कर रहे हैं सर? इससे पहले जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार साहब और मुंबई टीवी के अफजल और लाल मोहम्मद सर, ये तीन लोगों के ऊपर भी जो है ऐसे ही कुछ मामले की एफआईआर की गई साजिश। बिल्कुल, तो उसके बारे में सर, वो अगर ये साजिश है तो फिर वो भी साजिश थी। नहीं, अभी मुद्दे पे रहते हैं अपन। ये दारुल फलाह दीवार का पूरा विवाद क्या है, आप लोगों पे खंडनी बन गई उसमें, तो क्या पूरा माजरा है? दरअसल कैसा है सर इसमें कि उसके एक रोज पहले हमारे साथी पत्रकार साथी अनवर शेख साहब
इनके घर के ऊपर कार्रवाई हुई और वो घर को पूरा तोड़ा गया, जबकि वो लीगल घर था, कोई लीगल घर नहीं था और इनकी खरीदी हुई जमीन पे वो घर है और 40 से सटे घर है, कोई अलग से कोई बनाया नहीं गया, वो पहले से ही रूम था। और उसको तोड़ने के बाद सेकेंड रोज हमारे ऊपर खंडनी बनी, ये दीवार का मामला हुआ। अच्छा, ये दीवार का मामला होने से पहले हम सभी पत्रकार यहाँ पर, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग मौजूद है, मेरे ख्याल में 90% यहाँ पे जो पत्रकार मौजूद है, हम सभी पत्रकार मुमरा प्रभाग समिति गए थे और सर आप भी थे उसमें। तो हम लोगों को जाने का मकसद यह था कि भाई अधिकारी को पूछे सालूंगे साहब को और गोसावी साहब को कि भाई आपने इनके घर के ऊपर कार्रवाई की तो क्या शिकायत थी और किस बिना पे आपने कार्रवाई की, आपने नोटिस भी नहीं दी, एज पर लॉ आपको पहले नोटिस देना चाहिए, फिर इनके डॉक्यूमेंटेशन देखे जाते फिर उसके बाद कार्रवाई होती, फौरन कार्रवाई की गई। तो उस खुलासे के लिए गए थे और फिर उसके बाद मामला ऐसा होगा कि भाई ठीक है जो हो गया सो हो गया, आप उसको आप बनाइए, जो भी हमारे से कोऑपरेशन होगा हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन वहां से जब हम लोग वापस लौटे तो मामला ऐसा हो गया कि भाई हमारे बारे में ऐसा कहा गया कि हम लोग वहां उस दीवार के लिए गए जो सरासर झूठ बात है, वहां पे ना कोई दीवार की टॉपिक निकली और ना ही वो बिल्कुल सर्वेलेंस में और कैमरे भी लगे थे, हम लोगों ने ना कोई दीवार की बात छेड़ी ना कोई शहर के किसी अन्य मुद्दे पे बात हुई, सिर्फ और सिर्फ अनवर भाई के रूम के ताल्लुक से बात हुई और उसके अलावा और कोई बात। आपने जो सागर सरोवर साहब से बात हुई थी तो कुछ राइटिंग में भी दिया था उनको? नहीं, राइटिंग में नहीं बात हुई, राइटिंग में नहीं बात हुई थी। वहाँ पे हमारे जब सीनियर पत्रकार लोग मौजूद थे, फहीम भाई थे, रफीक सर थे और भी लोग थे, हम लोग सब ज्यादातर यहाँ मौजूद थे, शायद आप नहीं थे, बाकी ज्यादातर लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो ऐसी कोई रिटर्न बात नहीं हुई थी। हम लोग एक पत्रकार के अलावा शहर के रहने वाले भी है। नहीं, लेकिन सुल्तान भाई आप ऐसा है कि यासर भाई डिनाई कर रहे हैं, कंप्लेनेंट की शक्ल भी नहीं जानते, हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और पिछले 2-2.5 महीने से वहां पर दारुलफला की दीवार, दुकानें बनेगी, ऐसी कई खबरें हमारे कई पत्रकार भाइयों ने चला, ठीक है। तो उसके उसी दौरान फिर वो जो धरना कह रहे हैं, शायद अमृत नगर नाके पे 4 तारीख को जो धरना हुआ उसकी बात है, तो पूरा खुलासा अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। रफीक भाई, इसमें कहने का मकसद ये है कि ना इसमें दारुलफला की दुकान का मामला था, ना दीवार की बात थी और ना डायमंड के पार्किंग की बात थी। एक गुमराह किया गया था हम लोगों को, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, उसको अंधेरे में रखा गया था कि यहां की जनता परेशान है, डायमंड वाले बिल्डिंग वाले परेशान हैं और दारुलफला के बिल्डिंग वाले परेशान हैं कि यहां पर दुकान बन जाएगी, इसके लिए लड़ाई लड़ना है और जब वो वक्त आएगा तो ये लोग उतर जाएंगे। हम लोगों ने ये उम्मीद भी जताया था, हम पत्रकार हैं, कोई ज्योतिष नहीं है, कोई बाबा नहीं है, कोई अंतर्यामी नहीं, और ऐन वक्त पे कोई आया भी नहीं वहां पर, और हमको पूरी उम्मीद थी कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता हमारा साथ देगी। लेकिन जब वो वक्त आया, हम लोग धरने पर बैठे और उसके बाद में खबरें भी प्रकाशित की और इसका जिम्मेदार हमने शानू पठान को माना और शानू पठान के खिलाफ मैंने न्यूज चलाई, इसमें कोई शक नहीं, जो चीज सामने नजर आ रही थी उसके मुताबिक। तो हमने जो है जो न्यूज हमने चलाई चैनलों पे, जो मैंने एंकरिंग किया, तो वो थोड़ा पत्रकारिता से हट के था, कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो पत्रकारिता में नहीं बैठते, हमने जज्बात में बोला, लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया, विपक्षियों ने लिया, हमारे पत्रकार साथियों ने लिया, सामाजिक लोगों ने किया, तो उस पर मैं पशेमान हुआ और मैंने खेत प्रकट किया। अब इस खेत प्रकट को ये उड़ाया जा रहा है कि सुल्तान इसमें बिक गया, सुल्तान इसमें बंगले पे चला गया, सुल्तान इसमें अवार्ड साहब के यहाँ चला गया, वहां से सब नोट मिल गया है। ऐसा नहीं, नोट तो दूसरे लोग जो है लेने के चक्कर में हम लोगों को बलि का बकरा बना दिया। कौन लोग कौन है अब आप बताने की जरूरत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। जी, जैसे आपने कहा कि गुमराह किया गया, तो कौन थे आप गुमराह किए? भाई देखो, इसमें अहमद नेता भाई की बात है, उन्होंने डायरेक्ट जो है रफीक भाई के ऑफिस में बैठे हुए थे और पत्रकार साथी बैठे हुए थे, रफीक भाई ने एक ही सवाल किया कि अहमद भाई आप ये लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, बड़े जज्बे से लड़ रहे थे, अच्छी लड़ाई थी, लेकिन इतना जज्बात में आने का और इस तरीके से, तो उन्होंने मतलब बड़े तल्ख मिजाजी में कहा कि हमको चूल्हे भाड़ में जाए
मतलब उनके कहने का मतलब है कि हमको चूल्हे बाड़े में जाए दारुल फला की दुकान और डायमंड की पार्किंग, हम तो अपने पैसे के लिए लड़ रहे थे, हमारा 6.5 लाख रुपया शानू पठान बाकी है, इसलिए हम दबाव बना रहे थे कि वो पैसा हमको मिले। और यही बात उन्होंने आवाज साहब के बंगले पे ये क्लियर नहीं बोल पाए हैं, मैं सामने बोल रहा हूँ, एक मिनट, आप बेबी आप चलाइएगा, मतलब उनको जो है आप बेबी चलाओ, ये क्लियर नहीं बोल पाए, मैं बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, ना मैं आज शानू पठान से डरता हूँ और ना अहमद नेता से डरता हूँ, क्लियर मैं ना बिका हूँ ना बिकूंगा, बोलते बंगले पे जाए शानू पठान कलाम पाक पे हाथ रख दे, और मैं भी और जो हमारे साथ पत्रकार साथी थे कि एक रुपया का लेन देन हुआ है कोई नहीं, 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 मैं इसका शाहिद हूँ सुल्तान भाई जो बात कह रहे हैं, मैं इसका शाहिद हूँ, मैं उसकी गवाही देता हूँ कि इस तरीके की जो भी बातें बोली गई है गलत है। मैं डरने वाला नहीं हूँ जरा भी, हम शहर की जनता को सलाम करते हैं, भले ही उन्होंने मोबाइल पे और कमेंट से ही हमको जो है सहारा दिया, लेकिन जो उम्मीद थी कि जो उतरेंगे जिनके लिए लड़ रहे हैं, तो वो ठाए ठाए फिस नजर आया, वहां पर पता चला कि फला होटल वाले से लिया गया 30,000 रुपया, एक दुकानदार से लिया गया 10,000 रुपया, एक और दुकानदार से 5,000 रुपया लिया गया, वो सब बाकायदा कहने को तैयार है, वो भी पोल पट्टी सामने खुलेगी, तो क्या हम लोग इसलिए लिया गया था दुकानें तोड़वाए दीवार तोड़वाएंगे, जो फला होटल वाले हैं बताएं कि मतलब अहमद नेता ने लिया 30,000 रुपया और उन्होंने बाकायदा जो यासर भाई अनवर भाई सुल्तान भाई ने बताई ये सब बातें, इस बातों को लेकर आप दोनों का क्या कहना है? हम लोग मैं कहना चाहता हूँ, बोलो यासर, बोलो आप, बोलो, नहीं नहीं यासर भाई आप बोलो, बोलो सर, सुल्तान भाई ने जो बातें रखी है उसके बिना पर क्या कहना चाहेंगे आप? सहमत है यार? हाँ, ये बात हम लोग ने सुनी है, अहमद नेता के मुंह से बात सुनी है हमने, अमर साहब के बंगले पर भी और इधर आपके ऑफिस में भी, कि भाई उनको उनका बकाया जो है वो बकाया मिल जाए, बाकी उनको कोई मतलब नहीं। ये भी हमने सुना है, ये हमने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि बकाया है, बकाया निकलता है, बकाया जिससे लिया है पैसा वो खुद पुलिस स्टेशन गया था, ये लोगों ने बताया है, हमने देखा नहीं। सुल्तान भाई ये बात तो 6.5 लाख की बात है, जब हमसे पूछा 1,000 का आरोप लगा है कि आपको दिए, बाद में बोले कि अभी बाउंड्री नहीं टूट रही हम वापस देंगे, लेकिन आपने दिया नहीं, ऐसा आपके आरोप है नहीं जो 6.5 लाख आरोप गलत है, 20,000 है क्या दूसरा 20,000 है, मतलब बहुत मामला पैसे से अपने को एक पैसे से कोई लेने देने नहीं, और उस दौरान जो हमने चाय भी पिया है, जो शरीफ भाई है फला होटल के मालिक कसम खा के बोलते जबरदस्ती उनको मैं पैसा देता था कि हम वो बोलते थे पैसा मत दो, हमने कहा नहीं नाजायज हो जाएगा, मैं ऐसा बगैर पैसे का चाय नहीं पीऊंगा। सुल्तान भाई जो आप 6.5 लाख की बात कर रहे हैं, जब हमें भी पता चला कि हमारा भी म्यूज यूज किया गया है, 6.5 लाख की जंग थी ये, जब हमने अहमद नेता से बात की तो उन्होंने सीधा बताया कि आप लोगों के सामने अवार्ड साहब के बंगले में हमको 10 लाख रुपया दिया जा रहा था और 3 बजे उनको शानू पठान के बंगले पे बुलाया गया था, अगर उनको सेटिंग ही करना था वो बंगले पे ले सकते थे पैसा या अवार्ड साहब के घर पे। इस बात के गवाह हमारे रफीक भाई है, रफीक भाई बता सकते हैं, फहीम गुलवार भी है और फहीम भाई भी है ना, 10 लाख की बात हुई ना 10 रुपए की बात हुई, सिर्फ अवार्ड साहब ने कहा था कि शांत हो जाओ, 3 रोज रुक जाओ, आगे कार्रवाई होगी, सिर्फ आप 2 से 3 दिन रुक जाओ। सर आप लोगों को गुमराह करने की वजह क्या थी, किस लिए गुमराह किया गया आप लोगों को? अपना पैसा निकालने के लिए भाई, नहीं नहीं, जो मुझे उन्होंने धरने में रखा था वो आप भी पढ़े थे, आप भाई सामने बोले थे, आप भी बोले थे, तुमने जो सामने बैठे हैं तुमने बोले थे उस समय जो नाले का मामला था, जो उनका देखो ये बाउंड्री की बात आपने कही थी, तो क्या था उनका मुद्दा पब्लिक की नजर में? बिल्कुल सही था उनका जो मुद्दा था, पब्लिक को दिखाने के लिए बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही लड़ रहे थे, लेकिन इसके पीछे का राज कुछ और था। जैसे रिजी भाई आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने जो शानू पठान से आपने सॉरी कही, जो भी कही अच्छी बात है, तो भी आप कहना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उस वीडियो के बाद से आप एक पक्ष को अच्छा बता रहे, किसी को आप बुरा बता रहे, और एक वीडियो में आपने खुद कहा कि पत्रकार जो तबास्मीन बने हुए थे कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, उसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, उसमें कुछ लोग थे वीडियो बना रहे थे, क्योंकि जो अपने पत्रकार साथी हमको तकलीफ हुई कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, वो वीडियो बना, ऐसे वक्त में किसी कोई पत्रकार साथी मारा जाए तो वीडियो तमाशा नहीं, उसको बचाने का
जो है मोदी बचाने के लिए भी लोग आए और वो वीडियो भी आधार था जिसका हम भी मोदी देखिए हमारे नियम दोनों जरूरी था दोनों जरूरी था वो वीडियो ज्यादा ही जज्बात में आ गए थे। नहीं, वो देखिए अगर हमारे पास फुटेज नहीं होता हम कैसे साबित करते कि आपके आधार आधार भाई ने माफी मांग ली तो फिर वो बहादुरी का काम किया ये आदमी ने कि भाई अपनी गलती कबूल किया कि उनको वहाँ पे पत्रकारिता करना चाहिए था अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। यही चीज सीख है हमारे लिए। सुबह एक और एक चीज बोलूंगा हमारे सारे पत्रकार साथियों को, हम भी पत्रकार हैं और सारे पत्रकारियों को यही बोलूंगा कि भाई एक चीज कि भाई हम लोग किसी के भी जज्बात में ना आए, हम लोग सिर्फ पत्रकारिता करें। हम लोग वहां पर कोई हमको बचाने आने वाला नहीं है, लोग सिर्फ समाजवीर बनेंगे, लोग सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनेंगे, भीड़ जमा हो जाएगी और हमारी भी नहीं देखिए अभी ऐसा है मैं ऊपर आ रहा था सुल्तान भाई अनवर भाई यासर भाई मैं ऊपर आ रहा था तो मुझे शाहनवाज है ना शानू पटेल जिनकी ससुर है इकबाल शेख दारुल फला में जिनकी नेशनल केबल की ऑफिस है तो उनके कहने के मुताबिक उनके दारुल फला सोसाइटी में 9 दुकानें और 5 मकान है। अभी यहाँ ऊपर आने से पहले उनका कहना था कि हमने दीवार तोड़वाने के लिए किसी ने भी हमारी बिल्डिंग से दोनों विंग से जितने में हमारी दुकान और ऑफिस है किसी ने सिग्नेचर नहीं दिया है। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि लोगों ने वहां के सिग्नेचर दिए तोड़ने के लिए तो ये क्या फंडा है। तो कैसर रजा भी तो वहां पर शिकायत की, कैसर रजा भी इनके साथ में वहां स्टोरी की। हम लोग उस चीज को देख रहे ऑब्जर्व कर रहे, हम लोग ने उस चीज को स्टडी नहीं की, हम उसके करीब के नहीं गए और एक कवरेज भी नहीं किया। इसी वजह से हमको इसी बात का मतलब जो क्या बोले मलाल बोले हमको एक शॉकिंग हमारे लिए के भाई अफसोस है हमारे लिए के भाई वो चीज के लिए हमको टारगेट किया गया जिसमें हमने कदम भी नहीं डाली। आप तीनों जो है शहर के वरिष्ठ पत्रकार है और काफी अनुभव रखते पत्रकारिता का, तो आप लोग कैसे किसी के बहकावे में आ गए। बहकावे में क्या, आप कोई हमारा साथी है और हमको विश्वास में ले रहा है, आप बोलिए कि चलिए सुल्तान भाई वहाँ पर जो है हमारे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है, हमारे साथ किसी ने धोखा दिया है, आप हमारे साथ चलिए। तो हमको क्या मालूम कि आपके दिल में क्या है, तो आप तो बच गए हमको पिटवा दिए। जैसे ऋषि भाई जैसे अभी आपने कैसर भाई का जिक्र किया, उन्होंने भी कुलेटरिटी दिया था और जो अहमद वही मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास जो सिग्नेचर लेटर है उसमें कम से कम 95 लोगों का सिग्नेचर है, बेकायदा रूम नंबर और मोबाइल नंबर आपने भी दारुल फला काटा, तो क्या फेक है क्या वो फेक है। नहीं हम उसके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। नहीं वो लेटर हमारे पास भी है, झोरत कॉपी अनवर भाई ऐसी जनता को क्या कहेंगे, मेरे पास मौजूद है, मेरे पास भी है और जी मेरे पास है। आप क्या कहना चाहते हैं फेक है क्या वो पंडित जी के बारे में। मैं अपनी सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का, मेरे वरिष्ठ पत्रकारों का, मेरे सीनियर साथियों का सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर वक्त दिया। मेन मसला मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल मैं इस मामले में ना झिझकूंगा ना कुछ भी नहीं और अलहमदिल्ला सिवाय अल्लाह के मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। वहां पर जब ये 4 तारीख को जब आंदोलन का प्रोग्राम रखा गया था तो हमारे सामने कुछ शहर के समस्याओं को रखा गया था कि देखो भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर बरसात होती है तो लोगों के घरों में पानी जाता है, दुकानों में पानी जाता है, इस तरह से शहर के हालात ऐसे कि दीवार अधूरा है, फुटपाथ अधूरी है, सड़कें अधूरी है, इतने सालों से अपने शहर का काम चल रहा है लेकिन आज तक के कोई काम मुकम्मल हुआ नहीं है। तो ऐसे ऐसे सब मसले, उसमें से भी दारू फला गार्डन का मसला आ गया कि यहाँ पर कुछ दुकानें बनने वाली, कुछ राजनीतिक लोग दुकानें वगैरह बनाने वाले, तो आप पत्रकार लोग हम लोगों को समर्थन दो। तो हम लोगों ने सोचा ये हमारा फर्ज भी है, कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं। अब इन लोगों ने जो हम लोगों को जो बताया कि ये मसले ये समस्याएं, ये सोच के हम लोग ये शहर के शहरवासी होने के नाते हम लोगों ने उस कार्यक्रम को कवरेज किया। कवरेज किया करने के बाद ऐसा हाँ तो हम लोगों ने उनका साथ दिया कि शहर की समस्याओं को लेकर। लेकिन एक बात ये आप लोगों को बता दूं सुबह कि ये हम लोगों को जो है मिस गाइड किया गया, हम लोगों को असलियत पता नहीं थी कि इसके पीछे का मकसद क्या है इन लोगों का क्या। ये तो हम लोगों को उस वक्त पता चला जब ये सब कुछ होने के बाद में, जब सुल्तान भाई पे हमला होने के बाद, हमारे सीनियर पत्रकार सुल्तान जी पे हमला होने के बाद, जब हम लोग रफीक भाई हम लोग सब जब आवार साहब के बंगले पर गए तो वहां पर हम लोग जाकर बैठे, कुछ ही देर बाद आवार साहब आए, गृह मंत्री जितेंद्र आवार साहब आए, आते साथ ही उन्होंने
पहले तो सबसे हाथ जोड़ के वो किया कि जो भी हुआ तुम लोग खलास करो, क्या मामले को सुलझा, मैं एक दो तीन दिन का वक्त दो मैं सुलझा देता हूँ, और मामला क्या तुम लोग इतना गुस्सा क्यों हुआ, क्या बात हुई। तो अहमद नेता का जो अल्फाज है, अहमद नेता साहब के जो अल्फाज थे डायरेक्ट उनके अल्फाज थे, जैसे होता है कि अवर साहब आप बताइए, उनको चाहते तो बोलते थे कि अवर साहब आप बताइए हमारे शहर की समस्या ऐसी ऐसी समस्या, सर की अधूरी है, ये सब अधूरा काम अधूरा चल रहा है, हम लोग क्या इसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन इनकी जबान से जैसे अवर साहब ने कहा कि भाई आखिर मामला क्या है, अहमद नेता मामला क्या है, तो बोले अवर साहब हमारा 6,500 रुपया अभी तक शानू ने दिया नहीं, तो डायरेक्ट इनकी जबान से निकलना। तो उसी टाइम हम लोग भी कुछ देर के लिए मतलब एकदम वो हो गए कि ये मामला तो 6,500 रुपए का है, अभी तक के तो शहर के विकास का मुद्दा चल रहा था, और यहाँ आने के बाद इनकी जबान से डायरेक्ट 6,500 रुपए निकल रहा है कि शानू ने अभी तक हमारे 6,500 रुपए दिए नहीं। अब वो शानू पठान का इनका क्या लेन देन है, तो खुलासा शानू भाई कर सकते, हम लोगों को तो अंदर की बात पता नहीं है। और अभी ये भी सुनने में आया कि 5 साल से इन लोगों का पैसे के लेन देन की कुछ वो चल रही है, क्या समझे। उसके बाद वहां से आने के बाद में फिर दूसरे तीसरे दिन रफीक भाई ने भी बुलाया ऑफिस पर सबको कि भाई आखिर मामला क्या, उसको सुलझा तो ये सब अच्छा नहीं है कि शहर में रह करके करना है। तो वहां पर भी अहमद नेता जो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ, उन्होंने साफ कहा कि बोले गलत भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन मैं दोहराऊंगा नहीं, उन्होंने कहा चूल्हे के चूल्हे में जाए वो दारू फला की दीवार और वो डायमंड की पार्किंग, वो तेल लगाते कि हमको उससे मतलब नहीं, मेरे को मेरे 6,500 से मतलब है। तो उस टाइम पे हमारे सीनियर पत्रकार सुल्तान उद्दीन साहब ने भी कहा कि भाई ये तो आप लोग तो हम लोगों को यूज कर लिया तुम लोगों ने, तो तुम्हारे 6,500 की लड़ाई थी और तुम लोगों ने हम लोगों को भी उसके में मिसगाइड कर दिया, आखिर मामला तुम लोग का लेन देन का था, फिर तुम लोगों ने विकास का मुद्दा लेके हम लोगों को गुमराह किया, और सब कुछ हम लोगों को वो जो मिसगाइड किया गया था, हम लोगों को नहीं मालूम था कि दिखाया कुछ जा रहा है और ये मामला कुछ और है। आपको मालूम है आप लोग की वजह से आप ही मिसगाइड नहीं हुए, सभी पत्रकार लोग जो है मिसगाइड हुए, तुम्हारी का दुश्मनी हो। लेकिन शानू पठान पे दबाव बनाने के लिए ये सब हथकंडा था कि शानू पे इतना दबाव बना दो कि वो फटाक से 6,500,000 रुपया निकाल दे और उनको इलेक्शन भी लड़ना था, इसलिए वो लोग शानू पठान के एकदम हाथ धो करके पीछे पड़ गए थे। क्लियर है जो हकीकत है वही मैं बोलूंगा, चाहे हमारे ऊपर 10 बार FIR हो, चाहे मेरे ऊपर हमला हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। जहाँ जनता का मुद्दा है, जनता को तकलीफ है, उनके लिए फिर मैं मैदान में उतरूंगा, और जिन्होंने हमला किया है उनको तो अल्लाह ही, और हम लोग को इस मामले में नहीं तो हम लोग को यूज किया गया, अल्लाह गवाह हम लोगों को यूज किया गया, और यह पहली बार हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ, सरासर इस्तेमाल किया गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि एक भी आदमी न दारुल फला कानूनी से उतरा, न कोई डायमंड की बिल्डिंग से आया, कोई नहीं आया। और ये भी आपको बता दूं, अभी कुछ दिन में आप सुनेंगे कि जिन जिन लोगों से पैसा लिया गया वो लोग खुद भी आप लोगों से संपर्क करके वो लोग भी अपनी बाइट देंगे, अपना बयान देंगे, जिन जिन लोगों से, दुकान वालों से, जिन जिन से जितने पैसे लिए गए, ये अहमद नेता और उनके वाइफ ने जो भी लिए पैसे, वो भी आप लोगों के सामने सच्चाई बहुत जल्द आने वाली है। सबसे अहम बात मैं जी, आप पे हमला हुआ बहुत निंदनीय है, लेकिन अब शहर में फजा क्या बन गई मालूम है, अरे पत्रकारों को मारो पकड़ के पीटो, कुछ होना होना नहीं है, इसको पैसे दे। नहीं नहीं ऐसा तो कभी ये होगा, जो हमला करने वाले वो गलत फहमी में मत रहे, ऐसा नहीं है। हमारे शहर के आमदार और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब ने बोल दिया है सुल्तान भाई जरा खामोश रहो, और इस पर हमला हुआ है हमारे ऊपर, पूरा वीडियो इसका वायरल हुआ है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में चला गया है, वहां से आर्डर आएगा FIR दर्ज करने के लिए। लेकिन जहां पर सुलह की बात आती है, ठीक है, वो लोग भी ऑन कैमरा आकर के माफी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हमला करने वाले ज्यादा खुश ना हो, कानून उनके लिए 2015 पत्रकार सुरक्षा कानून है, और मैं 20 साल से पत्रकार हूँ, 3 अखबार का मैं मालिक हूँ, RNI है मेरे नाम, ऐसा नहीं है, प्रेस काउंसिल इंडिया का मैं सदस्य हूँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में हमारा नाम है, हम कंप्लेंट देते हैं उस पर कार्रवाई होती है। अच्छा सुल्तान भाई, शुक्रगुजार है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इस मुद्दों पर एक के बाद एक के बाद एक खबरें, धरना, पत्रकार परिषदें लगातार हो रही है, काफी मैं मेरे पत्रकार भाइयों को देख रहा हूँ, क्योंकि वरिष्ठ, कनिष्ठ, सीनियर, जूनियर, ये सुन सुन के ना आप तो कान पक गए मेरे, मेरी जाती तौर पर मतलब मेरा तजुर्बा बोलता हूँ, लोगों को बड़ी मतलब सारे पत्रकारों को चिंता के एक पत्रकार पे हमला हो गया, फिर बोला भी जा रहा है, मार भी खा लिए, FIR भी हो गई, और फिर माफी भी मांग रहे। कितने लोग थे उस दिन पुलिस स्टेशन में आपके साथ, कितने पत्रकार थे हमारे साथ? साथ देने वाले में
तो खाली एक अगर तन मन धन से साथ देने वाला तो था तो कोई रफीक कामदार और भी हमारे जो है रफीक भाई, तो 3 बजे रात तक मेरे साथ में थे और भी दूसरे पत्रकार आए, अपने समद भाई भी थे, कैसा रजा हुसैनी भी आए हुए थे, लेकिन जो अहम भूमिका थी वो रफीक कामदार थी और फहीम भाई भी आए थे, उन्होंने भी जो है मतलब सहारा दिया, आए वो हॉस्पिटल में और भी कई पत्रकार आए, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद थी कि सब पत्रकार साथ देंगे वो नाउम्मीदी जाहिर हुई, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। उसको चाहे आप लोग निंदा समझ लो, बुराई समझ लो या कुछ भी, जो बात है ये कमजोरी है, निंदा जाने दीजिए, आपस में क्या निंदा करे, कुत्ता कुत्ते का बैरी, ये मुमरा के पत्रकारों की हालत है, एक दूसरे को पानी में देखना छोड़ो, बल्कि हमारे वजह से कुत्ता कुत्ते रफीक भाई पे भी सवालिया निशान लगाया गया है कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर कहाँ है, हिंदुस्तानी रिपोर्टर जो है ये कहा हमारे साथ 2:30 से 3 बजे रात तक रफीक भाई थे, हमारे लोग की मदद में थे, जब हॉस्पिटल में थे, जब पुलिस स्टेशन, हर जगह साथ में, और एक बात ने आप लोगों मैं तो अलग ऐलानिया सारे पत्रकारों के सामने कहूंगा कि मेरे और इन 3 पत्रकार भाइयों पे और बाकी के लोग भी जितने भी थे 6 के 6 लोग या 5 लोग पकड़ लो, सब पे और ज्यादा FIR दर्ज होने जा रही थी अगर मैंने वो रुकवाने में मैंने मेहनत की, मैंने अगर उसके लिए तन मन धन रात दिन लगा के मेरा काम छोड़ करके मैंने इनको सेव किया। जो गलती भाषा की सुल्तान भाई से हुई और उसके बाद ये तीनों जैसा भी दावा कर रहे जो इन्होंने खुलासा किया, तो उस पे मैंने अगर इनको बचाने का काम किया और मैंने सुलह करवा करके खत्म करवाया तो मैंने गलत क्या किया? मैं आप सब लोगों के मैंने कोई इनका काम नहीं है, मैंने 6 का किया, 6 के नहीं किया सर, और मैं आप लोगों के जरिए से बात अवाम तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमारे शहर में रफीक भाई ने जो शहर की समस्याओं को लेकर जो आवाजें उठाई है, जो जिसके लिए इन्होंने काफी हद तक के कुर्बानियां दी, तकलीफें भी झेली, सब कुछ हुआ, आज वही रफीक कामदार जिन्होंने हम लोगों को दिलो जान से हर तरह से हम लोगों की हेल्प की और आज इन्होंने जो कुर्बानी दी है जिसे हम जिंदगी भर इंशाल्लाह ताला याद रखेंगे, हमारे ऐसे टाइम पे ऐसे वक्त पे इन्होंने जो रोल अदा किया, एक बड़े भाई का भी फर्ज अदा किया इन्होंने, पत्रकार होने का भी फर्ज अदा किया इन्होंने, हम इनके बहुत बहुत तहे दिल से इनके शुक्रगुजार है और हमेशा इनका एहसान मंद। और आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे शहर के पत्रकार जाग जाओ, जिस तरीके से सुल्तान रिज़वी के ऊपर हमला हुआ, उनको पीटा गया, लोग तमाशबीन बने रहे, तो एक सीनियर पत्रकार 20 साल से उनको नहीं बख्शा गया, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो, हमारे बाद तुम्हारे लोग की भी बारी आ सकती है, इसलिए एकजुट हो, मजबूत बनो, तभी जो है इसी में भलाई है, तभी हम भ्रष्ट नेताओं से लड़ पाएंगे और समाज के भ्रष्टाचार मिटा पाएंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले और हमसे जुड़े।